हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वेब ऑफ सोशियोलॉजी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से जो एमफिल एंड पीएचडी एडमिशन 2023 से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट किया गया, उसके बारे में फुल डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो फिर चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। जैसे कि देख सकते हैं, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और एक बात, अगर आप सभी इस चैनल पर नए हो और इसी तरीके का हायर एडुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अगर पाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सभी करना क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं एक मेन्यू का ऑप्शन दिया गया है, तो आप सभी को इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद कुछ इस तरीके लिस्ट ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया एडमिशन का, तो आप सभी को इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद में नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पूरा लिस्ट आप सभी को शो हो जाएगा। ओके, नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले हम डिसिप्लिन चेकआउट कर लेते हैं, यानी कि कौन कौन से डिपार्टमेंट यानी कि सब्जेक्ट में और कितनी वैकेंसीज निकल के आई हुई है। उसके लिए आप सभी को ये जो डिसिप्लिन का ऑप्शन दिया गया, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट यहाँ पे दिया गया, द वैकेंसी पोजीशन में इंक्रीज इन सर्टेन डिसिप्लिन, यानी कि कुछ कुछ डिसिप्लिन में वैकेंसी इंक्रीज भी किया जा सकता है। ओके, तो चलिए डिटेल्स में चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल नंबर दिया गया, देन डिसिप्लिन, देन डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूट, देन कोर्स, देन प्रोबेबल वैकेंसी पोजिशन यहाँ पे मैंसन कर दिया गया है। ओके, मैं सिर्फ डिसिप्लिन और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ही मेंशन करूंगा, बाकी डिटेल्स आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा। नंबर वन पे देख सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 9, देन केमिकल साइंस में है 4, देन फिजिकल साइंस 2, देन अरेबिक 2, देन आसामिस में है 14, बंगाली 2, बायो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 5, बायोटेक्नोलॉजी 6, देन बोडो में है 2, देन बॉटनी 14, देन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 1, देन केमिस्ट्री 9, देन क्लिनिकल साइकोलॉजी में है 12 पीएचडी के लिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी एमफिल के लिए है 4। ओके, नेक्स्ट कॉमर्स में है पीएचडी के लिए 5, देन कंप्यूटर साइंस में है 2, देन ईसीई में है 5, देन इकोनॉमिक्स में है 6, देन ईसीटी में है 3, देन एडुकेशन में है 5, देन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में है 4, देन इंग्लिश में है 9, देन इन्वायरमेंटल साइंस में है 2, देन फोकलोर रिसर्च में है 4, ज्योग्राफी में है 9, जियोलॉजिकल साइंसेस में है 6, हिंदी में है 1, देन हिस्ट्री में है 6, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2, देन इंस्ट्रूमेंटेशन USIC 5, देन लॉ में है 4, देन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 1, लिंग्विस्टिक 4, मैथमेटिक्स 10, MIL एंड LS 10, देन पर्शियन 5, फिलोसफी 4, फिजिक्स 23, देन पॉलिटिकल साइंस 7, देन साइक्रेटिक नर्सिंग में है 3 PhD के लिए। ओके, नेक्स्ट साइक्रेटिक सोशल वर्क MPhil में है 11। ओके, नेक्स्ट साइकेटिक सोशल वर्क पीएचडी के लिए है 4, देन साइकोलॉजी में है 3, संस्कृत 6, स्टैटिस्टिक्स 2, वुमेन्स स्टडीज 4 एंड जूलॉजी में है 8। ओके, टोटल देख सकते हैं 47 डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकल के आई हुई है। आप सभी वीडियो पॉज करके वैकेंसी डिटेल्स अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा एमफिल एंड पीएचडी के रिगार्डिंग। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं आपसे को पीएचडी एडमिशन का जो ऑप्शन दिया गया, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन कुछ इस तरीके पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी क्या रखा गया है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी इज़ 2000, यानी कि 2000 रुपये पर सब्जेक्ट, द बैंक ट्रांजेक्शन फ़ी इफ़ एनी आर नॉट इंक्लूडेड। ओके, यानी कि आप सभी को 2000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, पर सब्जेक्ट। देन नेक्स्ट आपसे के एप्लीकेशन गाइडलाइंस का जो ऑप्शन दिया गया, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा। ओके, देख सकते हैं एडमिशन इनटू द ऑटम सेशन ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम ऑफ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24 अगस्त 2023 टू जुलाई 2024 इज अ
थ्री टायर प्रोसेस। ओके यहाँ पे देख सकते हैं द सेंट्रल एप्लीकेशन प्रोसेस CAP देन GU रेट 2023 एंड काउंसिलिंग के थ्रू से आप सभी का एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट किया जाएगा। ओके नेक्स्ट हम देख सकते हैं नंबर टू पे कंप्लीटिंग द CAP डज नॉट गारंटी एडमिशन इनटू द PhD प्रोग्राम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। ओके यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी, अगर आपके पास है मास्टर्स डिग्री है रिलेवेंट सब्जेक्ट में और मास्टर्स डिग्री में अगर 55% मार्क्स है तो आप सभी इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ओके इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उन सभी को 5% का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा मार्क्स में। ओके उन सभी के पास अगर 50% मार्क्स भी है रिलेवेंट या फिर कॉन्सर्न सब्जेक्ट में तो भी वो सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ओके नेक्स्ट यहाँ पे अदर क्राइटेरिया भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और एक बात मैं आपसे एक बता देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड और आर अपीयरिंग इन देयर पोस्ट ग्रेजुएट फाइनल एग्जामिनेशंस मे आल्सो अप्लाई फॉर एडमिशन इनटू द PhD प्रोग्राम, यानी कि फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स भी इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं एन एप्लीकेंट हु इज इन अ सर्विस शुड हैव और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर बिफोर एडमिशन कैन बी अलाउड। ओके जितने भी वर्किंग कैंडिडेट्स हैं उन सभी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप सभी को शो करना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे देख सकते हैं GU रेट जो कि 100 मार्क्स का कंडक्ट किया जाएगा। ओके नेक्स्ट काउंसिलिंग देख सकते हैं सिलेक्शन एट अ डिपार्टमेंट लेवल फॉलोइंग क्वालिफिकेशन एट GU रेट 2023। नेक्स्ट हम देखेंगे डेट्स। ओके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रखा गया है। ओके तो आप सभी को इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है डेट्स का। ओके करने के बाद में कुछ इस तरह के पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं PhD एडमिशन इंपॉर्टेंट डेट्स। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्राइडे 2 जून 2023 आफ्टर 5 PM, यानी कि 2 जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके एप्लीकेशन जो पोर्टल है 5 बजे के बाद ही ओपन किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थर्सडे 15 जून 2023 midnight 12, यानी कि 15 जून लास्ट डेट रहेगा। ओके आप सभी 2 जून से लेके 15 जून 2023 तक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। नेक्स्ट इशू ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड्स यहाँ पे देख सकते हैं ट्यूजडे 27 जून 2023, यानी कि 27 जून 2023 को एडमिट कार्ड अपडेट कर दिया जाएगा। ओके नेक्स्ट पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट एग्जेम्प्टेड एप्लीकेंट्स, जितने भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उन सभी को जो लिस्ट है वो फ्राइडे 23rd जून 2023 को अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं संडे 2 जुलाई 2023, यानी कि 2 जुलाई 2023 को GU रेट एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। ओके नेक्स्ट पब्लिकेशन ऑफ रैंक लिस्ट ऑनलाइन, यानी कि फाइनल रैंक लिस्ट जो है वो थर्सडे 20 जुलाई 2023, यानी कि 20 जुलाई 2023 को अपडेट कर दिया जाएगा। आप सभी इंपॉर्टेंट डेट्स अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट आप सभी को GU रेट 2023 का जो ऑप्शन दिया गया आप सभी को इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके को ओपन हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं GU रेट 2023 स्ट्रक्चर टाइमिंग एंड मार्किंग चेकआउट कर लेते हैं। द GU रेट 2023 विल हेल्ड इन ऑफलाइन मोड, यानी कि ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा ऑन संडे 2 जुलाई 2023, जो कि मैंने आपसे बता दिया है। ओके 2 जुलाई 2023 को GU रेट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी 120 मिनट्स, यानी कि 2 आवर्स आप सभी को दिया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए। इन विच द एप्लीकेंट हैज टू आंसर 100 MCQ, यानी कि 100 MCQ रहेगा। ओके MCQ मोड में क्वेश्चंस प्रिपेयर किया जाएगा। ओके फॉर एवरी राइट आंसर 1 मार्क विल बी 1 मार्क्स यहाँ पे रखा गया है। एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर के लिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, देख सकते हैं 0.25 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखा गया है रॉन्ग आंसर में। ओके देयर विल नो मार्किंग फॉर अन अटेम्प्ट क्वेश्चंस, यानी कि आप सभी अगर कोई भी क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसके लिए कोई भी मार्क्स आप सभी को नहीं दिया जाएगा और कोई भी मार्क्स आप सभी को डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ओके द सिलेबस फॉर द GU रेट 2020 विल बी डेट ऑफ द कॉन्सर्न मास्टर्स सब्जेक्ट, यानी कि मास्टर्स डिग्री का जो सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग ही सिलेबस फॉलो किया जाएगा। ओके द सिलेबस फॉर मास्टर्स कोर्स कैन बी फाउंड हियर, यहाँ पे आप सभी को सिलेबस देखने को मिल जाएगा। ओके आप सभी इस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं फाउंड हियर का जो ऑप्शन दिया गया इस ऑप्शन पे क्लिक करके सिलेबस चेकआउट कर सकते हो।
नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं एग्जम्पशन डिटेल्स दिया गया, एग्जम्पशन फ्रॉम जीओ रेट 2023 सेंट्रल एप्लीकेशन प्रोसेस सीएपी। यहाँ पे देख सकते हैं रेसिपेंट ऑफ सीएसआईआर यूजीसी जीआरएफ आईसीएमआर जीआरएफ आईसीएआर जीआरएफ डीबीटी जीआरएफ एंड एनी नेशनल लेवल फेलोशिप और स्कॉलरशिप सच एस इंस्पायर फेलोशिप एमएचआरडी एसेट्रा। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी है तो आप सभी को जीयू रेट एग्जामिनेशन में एग्जेम्पशन देखने को मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट हमें देख सकते हैं एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपियरिंग इन द जीयू रेट 2023। ओके नेक्स्ट यहाँ पे अदर डिटेल्स भी दिया गया, आप सभी वीडियो पॉज करके चेकआउट कर लीजिएगा। ओके नेक्स्ट हमें देख सकते हैं लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड एप्लीकेंट्स विल बी पब्लिश प्राइडर टू जीयू रेट 2023। जितने भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन सभी का लिस्ट जीयू रेट एग्जामिनेशन का पहले ही अपडेट कर दिया जाएगा। ओके बाकी डिटेल्स आप सभी यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। ओके नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, आप सभी को इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एंटी रैगिंग एफिडेविट आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देन स्टूडेंट्स एकोमोडेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, देन मूविंग अराउंड द कैंपस, देन सैलरी ऑफ कोर्सेज, देन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज डिटेल्स आप सभी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं और एक ऑप्शन दिया गया सी ए पी का, तो आप सभी को इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद कुछ इस तरह के पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सी ए पी सेंट्रल एप्लीकेशन प्रोसेस कैप विल बी लाइव आफ्टर 5 PM जून 2023। यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 2 जून 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। ओके आफ्टर 5 PM तो अभी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, 5 बजे के बाद ही पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। ओके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए तो सभी डिटेल्स मैंने आप सभी को बता दिया है। ओके और अगर फर्दर इससे रिलेटेड कोई भी न्यू नोटिफिकेशन अपडेट किया जाता है तो मैं आप सभी को अवेयर कर दूंगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर कोई भी क्वायरी हो तो कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा। और इसी तरीके का हायर एडुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अगर पाना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।